नमस्ते वेलकम एंड वेलकम बैक एंड आई एम मोनालिसा, सो आज के वीडियो में मैं दो प्रोडक्ट को कंपेयर करने वाली हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट के बेसिस पे सो so, वो जो दो प्रोडक्ट्स है वो है एक दस नाइन्टी सिक्स स्नेल म्यूसिन एसेंस एंड दूसरा बी बॉडी नाइन्टी सिक्स स्नेल म्यूसिन सिरम सो so, इन दोनों प्रोडक्ट को मैं कंपेयर करने वाली हूँ ये मैं बहुत पहले से यूज कर रही हूँ लास्ट दो साल से यूज कर रही हूँ आई कैन स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट हैज चेंज माय स्किन मेरे स्किन पे अभी कुछ नहीं है सिर्फ मैंने ये कॉजर एक्स्ल म्यूसिन एसेंस लगाया है और थोड़ा सा लिपस्टिक दैट सेट दिस इज माई स्किन यू कैन सी द ग्लो ऑन माई स्किन हाँ मेरे स्किन पे थोड़ा एक्ने मार्क्स है एक एक्टिव पिम्पल है एंड दिस इज माई स्किन मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करने वाली हूं तो सबसे पहले मैं बताती हूं कि स्नेल म्यूशिन आपके लिए क्या करता है स्नेल म्यूसिन आपके स्किन में एम्पल अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा आपका स्किन प्लंप ड्यूई ग्लोई लगेगा और बहुत ही देर तक आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करेगा आपके स्किन को सूद करने में मदद करेगा अगर कोई भी एक्टिव एक्ने ट्रीटमेंट्स की वजह से आपका स्किन में इरिटेशन हो रहा है तो तुरंत अगर आप स्नेल म्यूसिन एसेंस लगाएंगे तो स्नेल म्यूसिन आपके स्किन को काम डाउन करने में मदद करता है या आपकी स्किन को हील करने में मदद करता है एंड स्टडीज में पाया गया है कि ये आपके स्किन में अगर एज स्पॉट्स है या फिर सन स्पॉट्स है तो उसको ये स्मूदन आउट करता है इवन रिंकल्स को भी ये स्मूदन आउट करने में थोड़ा सा मदद करता है हाँ कोई कोई कंपनी क्लेम करते हैं कि ये डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है एंड एक्नेस पे काम करता है आई वोट से कि ये एक्नेस पे काम करता है क्योंकि एक टाइम था कि मैं ट्वेंटी को बंद कर दी थी बट एक कॉजोरेक्सनेल म्यूज इन एसेंस को यूज कर रही थी बट आई वॉज गेटिंग मोर एक्नेस सो एक्नेस पे कोई काम नहीं कर रहा था दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन मेरा स्किन है ऑयली एक्ने प्रोन एंड ये कॉजर एक्स नाइन्टी सिक्स नेल म्यूसिन एसेंस मैं लास्ट दो साल से यूज करनी हूं इट वर्क परफेक्टली फॉर माई स्किन एंड जो बी बॉडी वाइज नाइन्टी सिक्स Serum म्यूसन सिरम है उसको मैं लास्ट एक हफ्ते से यूज कर रही हूँ एंड इतना ही खत्म हुआ है सो so, दोनों प्रोडक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो ये हंड्रेड एम का बोथ का पैकेजिंग है हंड्रेड एम इसका प्राइस है अराउंड थर्टीन टू फोर्टीन हंड्रेड रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द डिस्काउंट यू गेट एंड इसका प्राइस है अराउंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ जो आपको डिस्काउंट दे अराउंड एट हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा सो दिस इज मोर affordable देन दिस प्रोडक्ट नाउ अब आते हैं कि इन दोनों को अगर आप स्किन पे अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट एंड फीलिंग आपके स्किन पे कैसा लगेगा नाउ जब आप कॉजोरेक्सनेल म्यूजियन एसेंस को अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तुरंत आपके स्किन को हाइड्रेट करता है एक डूवी ग्लोई लुक देता है इसका टेक्सचर थोड़ा सा स्लाइमी टाइप का है एंड ये इजिली ग्लाइड हो जाता है स्किन पे एंड ये आपके स्किन को बहुत ही स्मूथ बना देता है तुरंत और बहुत देर तक आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है इवन ये इजिली आपके स्किन पे एब्सॉर्व हो जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है स्नेल सिक्रेशन फिल्ट्रेट बिकॉज इसमें 96 परसेंट स्नेल सिक्रेशन फिल्ट्रेट है तो इसलिए इसका पहला इंग्रेडिएंट है स्नेल सिक्रेशन फिल्ट्रेट एंड अगर मैं बात करूं बी वाइज स्नेल म्यूसिन सिरम की तो ये प्रोडक्ट आपके स्किन में बहुत इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है इसका टेक्सचर उतना स्लाइमी नहीं है लाइक दी कॉजोरिक्स नेल म्यूसिन एसेंस इसका टेक्सचर थोड़ा लाइटवेट है देन कॉजोरिक्स स्नेल म्यूसिन एसेंस एंड ये आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है इजीली बट उतना डूवी ग्लोई लुक नहीं देता है उतना हाइड्रेशन ये नहीं प्रोवाइड करता है हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है बट कॉजोरिक्स नेल म्यूसिन एसेंस जैसा हाइड्रेशन मेरे स्किन पे तो ये प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया है एंड गाइज मुझे एक चीज बहुत ज्यादा मिसलीडिंग लगा ये जो बी बॉडीवाइज ब्रांड है ये क्लेम करते हैं कि इस प्रोडक्ट में 96 सिक्स परसेंट स्नेल सिक्रेशन फिल्ट्रेट है इंग्रेडिएंट लिस्ट हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो मतलब पहला जो इन्ग्रीडियंट होता है उसका हाइस्ट परसेंटेज होता है इस प्रोडक्ट में So, इसका पहला इंग्रेडिएंट है एक्वा मीन वाटर सेकेंड इंग्रेडिएंट है ब्यूटिलिन ग्लाइकॉल थर्ड इंग्रेडिएंट है स्नेल सिक्रेशन फिल्टेड और स्नेल म्यूसिन कैन यू से दैट की थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो 96 परसेंट पे इस प्रोडक्ट में तो मतलब है तो फिर पहला दो इंग्रेडिएंट कितना परसेंटेज पे होगा टू हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट डों so, मुझे यह बहुत ज्यादा मिसलीडिंग लगा आई डों की बी बॉडी वी से कोई ये वीडियो को देख रहा है तो प्लीज गाइज हमें क्लैरिटी प्रोवाइड कीजिए जो आप क्लेम कर रहे हैं और आपका इनग्रीडियंट लिस्ट मैच नहीं कर रहा है बट गाइज अगर आप बजट में हो अगर आप कोई एक हाइड्रेटिंग सीरम लाइट वेट लेना चाहते हो जो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा एंड uh, वो बजट फ्रेंडली है तो आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं बट अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं पर्सनली इन दो प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट फ्यूचर में परचेज करती रहूंगी आई एम गोइंग टू परचेज दी कॉस नेल म्यूज इन द बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर हाइड्रेशन टू माई स्किन दैन दॉडी बी बॉडी वाइज स्नेल म्यूसिन सिरम सो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन प्रोबॉबली आपको ये प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आ सकता है बट एक चीज मुझे बहुत मिसलीडिंग लगा वो ये है कि इसका थर्ड इन्ग्रीडियंट है स्नेल सिक्रेशन फिल्टरेट और ये क्लेम करते हैं कि इसमें नाइनटी सिक्स परसेंट स्नेल सिक्रेशन फिल्टरेट है सो दिस इज रियली मिसलिडिंग टू मी एटलीस्ट अप टू माई नॉलेज नाउ आप देखते हैं कि ब्रांड क्या रिप्लाई करता है सो दैट इज इट गाइज बट अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस प्रोडक्ट बिकॉज इसका अदर इनग्रीडियंट्स आर रियली गुड लाइक इसमें ग्लिसरिन है जो कि ह्यूमेक्टेंट है आपकी स्किन में वॉटर को बाइंड करके रखेगा इसमें बिटेन है इसमें सोडियम हालरोनेट है इसमें डिपैंथनॉल है इसमें एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट है so there are really good ingredients in this product but i don't know about the percentage of the snail secretion filtrate i am 100% sure that it is not 96% in this product okay so that is all about this product two products comparison if you want you can you are in a budget you can purchase this product or if you are if you can purchase go for this product okay so that is it that is it for today's video आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड एंड हेल्पफुल सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय सब्सक्राइब फॉर मोर